TVS Apache RTR 200 4V 200 सेगमेंट की एक ये भी एक ऐसी बाइक है जिसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है और काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर बाइक आपको देखने को मिलती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इस बाइक के बारे में कंप्लीट बात करेंगे कि ये क्या प्राइस आती है, क्या स्पेसिफिकेशन है इस बाइक का। और दोस्तों प्राइस तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, काफ़ी दिनों के बाद मैं इस बाइक की वीडियो बना रहा हूँ एंड आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि भैया इस बाइक पर जो फीचर्स है वो इतने ज़्यादा है कि किसी भी 200 सेगमेंट की बाइक से अगर आप कंपेरिजन करते हो तो सबसे ज़्यादा फीचर्स आप लोगों को इसी बाइक में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में TVS Apache RTR 4V के बारे में कंप्लीट बात करने वाले हैं। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। प्लस आप लोगों को मुझसे और बात करनी है तो आप लोग इंस्टाग्राम में भी आकर बात कर सकते हो, सेम नाम द समीर व्लॉग्स के नाम से मैं आपको इंस्टा में मिल जाऊँगा। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में कि भैया ये बाइक आपको क्या प्राइस देखने को मिलती है। देखिए दोस्तों RTR 200 में आपको नंबर ऑफ दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप सिंगल चैनल ABS वाली ले लीजिए या तो आप डुअल चैनल ABS वाली ले लीजिए। सिंगल चैनल ABS वाली एक्सरूम प्राइस अराउंड 1,39,690 रुपीज़ के आसपास की एक्सरूम प्राइस देखने को मिलती है। बात करें इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में तो उससे पहले आपको मैं क्लियर कर दूँ, हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि हर एक स्टेट के RTO और इंश्योरेंस चार्जेस में फर्क होता है। यह बाइक हमारे यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में अराउंड 1,66,000 रुपए के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। बात करें दोस्तों डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में तो यह आपको ऑन रोड प्राइस अराउंड 1,72,000 रुपए के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। सो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, दोनों बाइक में आपको अराउंड 6,000 रुपए से आसपास का जो डिफरेंस है वो देखने को मिलता है, मतलब 5 से 6,000 रुपए के आसपास का सिंगल चैनल और डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम वाली में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इस बाइक के स्पेसिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेंगे इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में कि इस बाइक में आपको कैसा एंड कौन सा जो इंजन है वो देखने को मिल जाता है। इस बाइक में दोस्तों इंजन टाइप में 197.7 सीसी का ऑयल कूल सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 ओलो इंजन देखने को मिलता है। 197 मतलब 197 सीसी के इंजन आपको इस बाइक में मिलता है। दोस्तों इस बाइक में जो मैक्सिमम पावर है अराउंड 20.82 के आसपास की PS पावर मिलती है जो कि 9000 RPM पे पावर जनरेट करती है एंड मैक्सिमम टॉर्क में अराउंड 17.25 का न्यूटन मीटर टॉर्क है जो कि 7250 RPM पे पावर जो है वो जनरेट करती है। मतलब दोस्तों इस बाइक में आपको पावर एंड जो टॉर्क है भाई वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि 200 सेगमेंट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पावर फिर कम है क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि भाई ड्यूक और NS में अपनी ज़्यादा पावर आती है इस बाइक के कंपेरिजन में, ठीक है। इस बाइक में दोस्तों आपको बता दूँ कि स्पोर्ट्स एंड राइडिंग, दोस्तों इस बाइक में आपको राइडिंग मोड्स मिलते हैं, राइडिंग मोड्स के हिसाब से आपको बाइक की जो पावर है उसमें भी थोड़ा सा कट देखने को मिलेगा, ठीक है। इस बाइक में कूलिंग सिस्टम में ऑयल कूलिंग इंजन देखने को मिल जाता है। फ्यूल सिस्टम में बाइक में आपको FI देखने को मिलता है जिसे फ्यूल इंजेक्टर भी कहते हैं। 1 नंबर ऑफ सिलेंडर में इस बाइक को डिज़ाइन किया गया है। नॉर्म स्टेप एमिशन टाइप BS6 नॉर्म के साथ में यह बाइक आती है। इस बाइक की जो बोर साइज अराउंड 66 mm की है एंड स्ट्रोक साइज अराउंड इस बाइक की आपको 57.8 mm के आसपास की देखने को मिलती है। नंबर ऑफ 4 सिलेंडर के साथ में ये बाइक आती है। इस बाइक में आपको नंबर ऑफ 5 स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिलते हैं एंड ध्यान रखिए दोस्तों Apache RTR 204V में आपको स्लीपर क्लच भी देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो बाइक है स्लीपर क्लच के साथ में आती है तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों ये बाइक बहुत ही बेहतर है। गियर शिफ्टिंग आपको इस बाइक में काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। सो ये था दोस्तों बाइक का कंप्लीट इंजन स्पेसिफिकेशन। जैसे आप लोगों ने देखा कि इस बाइक में आपको काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी अच्छा सा जो इंजन है वो देखने को मिल जाता है और कहीं ना कहीं दोस्तों RTR इंजन भाई आपको पता है TVS जो है खासकर अपनी Apache सीरीज में अच्छा ध्यान देता है तो इंजन की क्वालिटी तो आपको इस बाइक की काफ़ी बेहतर मिल जाएगी। सो ये था दोस्तों बाइक का कंप्लीट इंजन स्पेसिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इस बाइक के माइलेज इन टॉप स्पीड के बारे में। दोस्तों माइलेज में बता दूं ये बाइक अराउंड 35 से 40 के बीच का आपको जो है माइलेज निकाल कर देगी। 0 से 100 में इस बाइक को लगभग 13 यानी कि 13 सेकंड के आसपास के लगते हैं एंड टॉप स्पीड इस बाइक की अराउंड
130 टू 140 किलोमीटर पर आवर के आसपास की जो टॉप स्पीड है वो ये बाइक निकाल कर देती है। बात कर लेते हैं इस बाइक की सबसे खास चीज के बारे में, वह इस बाइक का स्पीडोमीटर यानी कि फीचर्स के बारे में। सबसे पहले बाइक की देख लीजिए, कुछ इस टाइप की देखने को मिलती है। स्पीडोमीटर आप लोगों को बाइक में फुली डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है, जिसमें आप लोगों को स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, क्लॉक, ABS लाइट, RPM, गियर डिस्प्ले, फ्यूल गेज, लो फ्यूल वार्निंग लाइट, गियर इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर, लो ऑयल इंडिकेटर, गियर शिफ्ट लाइट, रियर लिमिटर इंडिकेटर, लैप टाइमर, इवन आपको बाइक में मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ में राइडिंग मोड्स भी देखने को मिलता है। इस बाइक में आपको नंबर ऑफ 3 मोड्स मिलते हैं, रेन, अर्बन एंड स्पोर्ट्स, जिसका एक स्विच दिया गया है जिससे आप इसके स्विचेस के मोड्स को चेंज कर सकते हो। इस सेगमेंट की सबसे ज्यादा फीचर लोडेड बाइक है अपाचे RTR, ध्यान रखिए 200 में, ठीक है। स्विचेस में लेफ्ट हैंड साइड में पास दिस लो बीम हाई बीम टर्न सिग्नल है, हॉर्न का स्विच मिलता है। राइट हैंड साइड में इंजन किल स्विच, सेल्फ किल स्विच, साथ में राइडिंग मोड्स का जो स्विच है वो आपको बाइक में मिलेगा। अब दोस्तों आते हैं फ्रंट में। फ्रंट में सबसे पहले बात कर लेते हैं सस्पेंशन के बारे में। फ्रंट में इस बाइक में आपको बताना चाहूंगा, फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिलते हैं, लेकिन जो सस्पेंशन है वो सोवा के एडजस्टेबल सस्पेंशन है। पहली बात, सोवा के सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं। दूसरी बात, इस सेगमेंट की ये पहली बाइक है जिसमें आपको फ्रंट में एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है। साथ में इस बाइक में आपको फ्रंट में जो ब्रेकिंग मिलेगी, इसमें आप लोगों को डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। अगर आप डुअल चैनल ही लेंगे, सिंगल चैनल वाली लेंगे तो सिंगल चैनल ABS में मिलेगा। साथ में इस बाइक में जो प्लेट साइज यूज की गई वो 270mm की फ्रंट में, और टायर साइज 90 के आसपास के आपको देखने को मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों इस बाइक की आप डिमिनेशन कैपेसिटी एंड चेसी के बारे में। इस बाइक में दोस्तों आपको बताना चेसी जाऊंगा, चेसी में इस बाइक में आप लोगों को डबल क्रेडल स्प्लिट चेसी यूज की गई है, जो कि काफी अच्छी चेसी, ऐसा TVS कहता है, बहुत मजबूत है, ठीक है। डिमिनेशन एंड कैपेसिटी में बता दूं, ओवरऑल लेंथ है 2050mm की, ओवरऑल वीट है अराउंड 790mm की। इस बाइक की जो ओवरऑल हाइट है अराउंड 1050 यानी कि 1050mm की है। ग्राउंड क्लीयरेंस 180mm की है। सीट हाइट इसकी अच्छी है 800mm की। आपकी अगर 5.2 से ऊपर था आप इसलिए कंफर्टेबल राइड कर सकते हो। व्हील बेस है 1353mm की। कर्व वेट है 152 kg का। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 12 लीटर के, जी एक बार में 12 लीटर पेट्रोल फ्यूल करा सकते हो। साथ में आपको बता दूँ फ्यूल रिजर्व कैपेसिटी आपको 2.5 लीटर के आसपास की बाइक में मिलती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक की लाइटिंग्स के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिकल्स के बारे में। दोस्तों इलेक्ट्रिकल्स में भी ये बाइक बहुत अच्छी है। देख पा रहे कि फ्रंट में आप लोगों को बाइक में सबसे पहले LED DRR लाइट देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी लाइट है, जो कि 20 सेंटर में दी गई है। मेन लाइट भी आपको बाइक में फुली LED सेटअप में लाइट देखने को मिलती है। लाइट की विजिबिलिटी भी आपको काफ़ी तगड़ी देखने को मिलेगी। टर्न सिंगल लैप आपको इसमें बल्ब देखने को मिल जाता है। ध्यान रखिए टेल लाइट जरूर इसमें LED है। 8 AH की 12 वाट की मेंटेनेंस फ्री बैटरी यहाँ पर यूज़ की गई है। रियर में आते हैं। रियर में आपको बाइक में सोवा के मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेंगे, बहुत ही प्रीमियम सस्पेंशन है ये भी। रियर प्लेट साइज 240mm की, और रियर में जो टायर साइज यूज किया गया 130/70 का जो टायर आपको बाइक में रियर में मिल जाता है। श्वेता दोस्तों ब्रांड न्यू TVS अपाचे RTR 200 4V का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रिव्यू। अब दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये बाइक कैसी लगती है। आई थिंक दोस्तों मेरी नज़रों में तो ये बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी है, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी है, और इस सेगमेंट की काफ़ी अच्छी बाइक है मानी जाती है। बाकी आप बताइएगा कैसी लगती है। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। जय हिंद। वंदे मातरम।